के डॉक्टर हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर कैसे रखें आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल, कैसे रखें अपने माइंड को हेल्दी एंड फिट, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेमस फिटनेस एक्सपर्ट किरण सहानी जी। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। जैसे कि मैंने बताया कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात, आज हम बहुत खुले में हैं, नेचर के बीच में हैं। अगर आप अपना वर्कआउट्स को नेचर में ले आते हैं तो बहुत स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। यू फील प्योर, यू फील एनर्जेटिक, यू फील हैप्पी। सो नेचर में हम चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं, ये हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टिंग चीज़ है। प्योर एयर को ब्रीद करेंगे, घास पत्ते फूल पौधे चिड़िया इनका चहचहाना, इस सब के जितने नज़दीक आएंगे, अपना प्राणायाम योगा सूर्य नमस्कार सूर्य की उगती हुई किरणों के साथ अगर हम करेंगे तो बहुत मेंटल स्ट्रेस को हम बीट कर पाए। किरण जी, लोग फिजिकल फिटनेस की अहमियत तो समझते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस को इग्नोर कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से दोनों का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? हमने सुना है माइंड बॉडी कनेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं। शरीर के ऊपर तो काम करते हैं सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर, लेकिन शरीर की एबिलिटीज़ को हम माइंड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप डिप्रेस्ड हैं या सैड मूड में हैं तो शायद आप उतना अच्छी तरह से अपना वर्कआउट भी नहीं कर पाएंगे, और कुछ चैलेंजिंग योगा पॉस्चर्स जैसे कि मैंने आपको हेड स्टैंड दिखाया, वो आप अपने माइंड की कैपेबिलिटी से ही कर लेते हैं। तो किरण जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेंटल फिटनेस पाने के तरीके क्या हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप मेंटली फिट महसूस कर सकते हैं? सो अपनी फिटनेस, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लोगों के पास रात को पार्टी करने का टाइम है, मूवीज़ देखने का टाइम है, लेकिन अपनी फिटनेस के ऊपर काम करने का टाइम नहीं है। सो सुबह उठ के नेचर के साथ जुड़ें, अपने आप के साथ जुड़ें, अपने स्ट्रेस को रिलीव करें, कुछ प्राणायाम करें, एक्सरसाइजेस करें। डिप्रेशन से रिलीव करने का आपकी नज़र में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है या आपकी मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे अच्छा है प्राणायाम। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? ब्रीदिंग, हमारा ब्रेथ क्या है, जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है, हम बहुत हैवी ब्रीद कर रहे हैं एंड शॉर्ट ब्रीद कर रहे हैं। जी, तो स्ट्रेस बस्टर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि मुख्य कारण तो आखिरकार स्ट्रेस ही होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें, अगर फिटनेस के लिहाज से एक्सरसाइजेज और योगा के लिहाज से बात की जाए, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है? आप सुबह ब्रिस्क वॉक या रनिंग नेचर में खुले में करें, बाइकिंग करें, और उसके बाद आप योगा करें। योगा में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हेड स्टैंड बहुत अच्छा है, ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ आता है इससे हेड स्टैंड में, तो हेड स्टैंड कर सकते हैं। प्राणायाम, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, उसके बाद फिर आप शवासन नेचर में थोड़ी देर, सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं, नेचर में थोड़ी देर शवासन करें। तो ये सारे हेल्पफुल टेक्निक्स हैं। जी, तो किरण जी, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर क्या आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे किस तरह से वो मेंटल हेल्थ का अपने ख्याल रख सकते हैं? क्विक टिप्स, अपने वर्कआउट को कभी भी निग्लेक्ट ना करें, उसको अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट ज़रूर बनाएं, नेचर के साथ जुड़ें, सुबह उठ के योगा प्राणायाम रनिंग बाइकिंग ये सब चीज़ें ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस किरण जी। आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स हमें आज देख रहे हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स यहाँ आपसे मिली होंगी। अपने इस खास शो में हमने आपके सामने कई हैरान कर देने वाले, कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने रखे, और उम्मीद करती हूँ कि इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आप सब ये प्लेज करें कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कामयाबी तो शायद दोबारा मिल जाएगी लेकिन ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन मुकेश सांकला के साथ मल्लिका चावला, जी मीडिया, दिल्ली।